अभी जाने के लिए रवाना होना है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से लाहौर से। जी तो गाइस फाइनली आपका भाई रेडी हो चुका है निकल। फाइनली जी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। मेरे जो सा हेलमेट के अंदर माइक फिट किया था वो माइक भी चल नहीं रहा, तो माइक हो तो फिर ज़्यादा वॉइस भी मेरी सही आए, क्योंकि माइक के बगैर वॉइस पार आ रही सारी है मैंने। तो अब सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। आने वाला है और शरकपुर पे मैं पांचवा स्टे करूँगा। तो फाइनली गाइज मेरा जो पांचवा या छठा स्टे है शायद। जी तो बॉयज हमारे जो से एयरपोर्ट हैं वो काम आ गए आज अल्हम्दुलिल्लाह जी। वी आर एट अलैकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी अहमद रज़ा आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। हमने कहा थोड़ा सा इंट्रो चेंज ही कर लें तो नाम तो बताया करें हम। और मैं हूँ अहमद रज़ा, आप YouTube चैनल देख रहे हैं अहमद जी ब्लॉग्स। तो वीडियो शुरू होने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी करना है आपने। 100 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और जल्दी से करवा दें। आज है जुम्मा, आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। जुम्मे की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुका हूँ और अभी जाने के लिए रवाना होना है। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से लाहौर से आ रहा हूँ फैज़ाबाद। शरकपुर शरीफ गुजर के फैज़ाबाद जाना है आगे, तो निकलते हैं फिर। मैंने अपनी खाला की तरफ जाना है तो बाइक पे कपड़ा छपड़ा लगाते हैं साथ, आपको भी दिखाते हैं और निकलते हैं फिर। मैंने बहरहाल जाना है अपनी 2022 वाली बाइक पे, मतलब कि जो 2022 मॉडल वाली बाइक है, नई वाली। जो पुरानी वाली मेरी बाइक है उसके टायर काफ़ी ना ख़राब हो चुके हैं, मतलब ठीक है लॉन्ग लॉन्ग रोड पे नहीं वो सही चलेगी, तंग करती है मतलब। ये भी ठीक है, मैं इस वजह से दूसरी वाली बाइक पे जा रहा हूँ क्योंकि वो नई है तो वो ज़रा सेट रहेगी चलने में। अच्छा मसला नहीं देगा, तो अभी निकलते हैं फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है समझ गया। जी तो गाइस फाइनली आपका भाई रेडी हो चुका है निकलने की तैयारी में। अभी बाइक को हम कपड़ा छपड़ा लगा लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, हेलमेट वगैरह तैयार है, ग्लव्स भी हमारे तैयार है और आपका भाई भी तैयार है। 346 मिनट्स लेट। फाइनली आपके भाई ने सारी बाइक चमका चुको दी है, फ्रेश टाकी मार। तो अभी निकलने लगा हूँ मैं यहाँ से। फाइनली जी बाइक स्टार्ट हो चुकी है। 20 मिनट्स लेटर आई एम रेडी टू गो। मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, घर से तो मैं आ गया था। तो अभी यहाँ से ये हम हाईवे की तरफ रवाना हो रहे हैं और हाईवे सारा आप रोड दिखाते हैं निकल। मेरे जो सा हेलमेट के अंदर माइक फिट किया था वो माइक भी चल नहीं रहा, तो वॉइस नहीं मेरी आएगी। शाबाश, ऐसे ही आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखाऊंगा। सभी यहाँ से निकलते हैं आपको दिखाते हैं। मेरी माइक फिलहाल तो चल नहीं रहा, लेकिन जो मेरी वैसे वॉइस है वो आप थोड़ी बहुत यहाँ पे आ रही होगी, लेकिन रोड पे नहीं आएगी। हम यहाँ से हाईवे पे चढ़ने लगा हूँ, मैं हाईवे पे यहाँ से निकलते हैं। ये तो फाइनली गाइस मैं रोड पे आ चुका था, तो अभी पेट्रोल डलवाने की बारी आ चुकी है। पेट्रोल डलवाते हैं फिर निकलते हैं। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी हम करवा लेते हैं। है तो वैसे 240 पेट्रोल जी हमारा हो गया फिल, तो अभी निकल रहा हूँ यहाँ से मैं। तो फिर निकलते हैं रास्ते में, आपको शॉर्ट्स वगैरह जो मैं बनाऊँगा। फिलहाल तो क्या कहते हैं माइक जो है फिर पास नहीं है मेरे, माइक मैंने घर छोड़ा है, चल नहीं था रहा इस वजह से। तो अभी मैं सिर्फ टाइम लैप्स लगा के आपको वही शॉर्ट्स दिखा सकता हूँ जो मेरे क्या कहते हैं शॉर्ट्स बनेंगे टाइम लैप्स पे, वही सिर्फ दिखाऊँगा तो आप इंजॉय करिएगा।
तो इसके अलावा तो मैं बना नहीं सकता, क्योंकि माइक हो तो फिर ज़्यादा वॉइस भी मेरी सही आए, क्योंकि माइक के बगैर वॉइस फर्क आ रही है, सारी हवा की आवाज़ आ रही है, कोई किसी किस्म की भी वॉइस मज़ेदार नहीं आ रही। तो हम साउंड वगैरह लगाएंगे बस, पेट्रोल वगैरह तो फिल करवा लिया मैंने, तो अब सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। खैर खरीय से दिन गुजारना और बहुत अच्छा गुजारना। तो गाइज़ फाइनली मैं दुआ वगैरह पढ़ के आ चुका था और यहाँ से हाईवे स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ से मुझे तकरीबन 45 मिनट तकरीबन लगेंगे आगे जाते, और तकरीबन 50 किलोमीटर यहाँ से रास्ता है फैज़ाबाद का। फर्स्ट क्या मुकाम जी आ चुका है मेरा, तो अभी मैं यहाँ पे रुका हूँ इस वजह से कि जैकेट मैंने बंद ही नहीं की घर से, माइक की वजह से शॉर्ट्स वगैरह नहीं आ रही, मेरी वॉइस वगैरह नहीं आ रही, बस इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए बाकी शॉर्ट्स वगैरह मैं बना रहा हूँ। जी तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैं अगर वीडियो स्लो बनाता हूँ बाइक पे, मसलन कि अगर बाइक स्लो चलाते हुए वीडियो बनाऊँ तो मेरी वॉइस साउंड क्लियर आता है, और अगर थोड़ी सी बाइक मैं तेज़ करता हूँ और साउंड क्वालिटी मेरे की बिल्कुल ही ख़राब होती जाती है, तो इसको आप इग्नोर करिएगा। इसी आपके भाई ने जी दूसरा क्या वो तो आम भी कर लिया है, और फिर बाइक में रोक लिया मैंने, तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये हाईवे है सारा, और नीचे ये देखें आप मोटर पर जा रही है, ये सारी मोटर पे है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, यहाँ से ले जी। फाइनली गाइस आई एम रेडी टू गो ऑन हाईवे, तो फिलहाल नहीं चल रही कोई पिक्चर वगैरह का सीन, कोई नहीं हो रहा कोई चीज़ तो नहीं भूल गया, कोई पिक्चर वगैरह का सीन तो नहीं हो रहा, और यहाँ से दफा दफा होते हैं रफा दफा कोई तस्वीर खींचने वाला भी नहीं है, और तस्वीर कोई आ भी नहीं किसी काम की। रुको जरा। Hello guys, it's Jovan and you know what time it is? Disco time. मंजिलों से गुमराह कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछा नहीं करते। राजा जी फाइनली गाइज तीसरा कैमो तो हम आ चुका है जो भी, और यहाँ पे मुझे एक बड़ी प्यारी खूबसूरत सी सोसाइटी नजर आई है, जिसकी एंट्रेंस वैसे बहुत प्यारी है, और दिखाता हूँ मैं आपको वो कौन सी है। तू लग जा। ये और चर्च देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी सोसाइटी बनी हुई है ये। ये भी एक सोसाइटी सामने है, और उसका नाम नहीं मुझे समझ आ रहा, अल राजिक गार्डन। हाँ आगे भी अल राजिक गार्डन है, तकरीबन यहाँ पे सारे ही गार्डन लगते हैं, तो ये हाईवे है तो हाईवे पे ही है, लेकिन जो मौसम का इस टाइम व्यू है ना वो बहुत प्यारा है, और तकरीबन खेत आ चुके हैं और जा रहा है आपका भाई। जी तो फाइनली गाइस गार्डन वगैरह वाली साइड से मैं निकल चुका था, और आगे शरकपुर शरीफ तकरीबन 11 किलोमीटर रह चुका है, और आगे फैजाबाद आने ही। लेनी फाइनली गाइस फिर चौथा स्टे आ गया हमारा, मस्ती का रहे हैं। चौथा स्टे इस वजह से आया जो मेरी सन ग्लासेस है ना, ये मैं उतार रहा हूँ क्योंकि ना शाम होने वाली है, तो मैं तंग हो रहा हूँ, तो इसको एक्सचेंज करते हैं अभी। ये हम ये वाली आने के लगाएंगे ले जी, इसको रख दें आप अंदर बोझे में। चौथा स्टे लेते हुए फिर मैं आगे जा चुका हूँ, और यहाँ पे तकरीबन शरकपुर आने वाला है, और शरकपुर पे मैं पांचवा स्टे करूँगा। तो फाइनली गाइस मेरा जो पांचवा या छठा स्टे है, शायद आपको पता लग ही गया होगा, जितना भी है स्टे आ चुका है मेरा, और इस स्टे में आपका भाई शरकपुर शरीफ पहुँच चुका है, और ये देखे शरकपुर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरकपुर शरीफ बड़े खैरियत से पहुँच गया हूँ, तो मुझे वैसे मज़ा आया राइड का, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हेलमेट के साथ। हेलमेट मैंने आज तक वैसे हेलमेट पहन के बाइक नहीं चलाई, मसलन के पहले थोड़ी बहुत कभी कभार हो जाए इतने लंबी रोड पे, मतलब लंबा इतना तो नहीं है मेरे लिए, मेरी सही है छोटा सा। अब स्टे मैं कर करके जा रहा हूँ, इस वजह से सिर्फ आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, वीडियो बनानी है इस वजह से, स्टे पाँचवा स्टे है मेरा, ये वीडियोज़ बनानी है, वीडियो लाजमी बनानी है, इंशाल्लाह आगे मैं
खड़गपुर तो पहुँच गया हूँ। इससे आगे मैंने जाना है फैजाबाद, आगे आना है फैजाबाद, तकरीबन वो 15 किलोमीटर आगे है, और वहाँ पे जाके फिर आपसे चल। मुझे लगता है कि जो सी मैंने एयरपॉड्स लगाए हैं ना, मेरी वॉइस उससे रिकॉर्ड हो रही है, और ये तो बड़ी खुशी की खबर है कि माइक की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जो सी हमारे थे क्या कहते हैं एयरपॉड्स, वही काम आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि वॉइस ठीक आएगी। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ, अगर वॉइस ठीक आ रही है तो फिर आपको साथ साथ बातें भी करते जाते हैं। और क्या चाहिए हमें, माइक चाहिए था वैसे, मैंने अपने दोस्त को बोला था माइक का, तो वो माइक नहीं मुझे मिला, काफ़ी मैंने इंतज़ार भी किया, इस वजह से लेट भी हो गया कि माइक लेके जाऊंगा, माइक भी नहीं मिला। और अब मैं जा रहा हूँ फैज़ाबाद की राहों में, खड़गपुर को हम अलविदा कहते हैं। तो अब यहाँ पर फैज़ाबाद जाना है। मेरा ख्याल है कि वॉइस आपको अच्छी आ रही होगी, मैं पहले रोक के एक दफ़ा दोबारा चेक करूँगा लाजमी, तो लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि आपको वॉइस अच्छी आ रही होगी, क्योंकि वाइज़र मैंने बंद नहीं किया, वाइज़र बंद कर दूँ हेलमेट का, वाइज़र बंद करके शायद वॉइस मेरी अच्छी आ रही जी। तो बॉयज़ हमारे जो से एयरपॉड्स हैं वो काम आ गए हैं, आज एयरपॉड्स ने काम दिखा दिया कि वो वॉइस हमारी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की खबर है, और मुझे वैसे पता नहीं था। तो अब आपसे बातें करते हुए जाते हैं। लास्ट टाइम मैं तकरीबन कोई यहाँ पे आया था, आज से कोई 2 से 2.5 माह पहले की बात है, तो मैं जब आया था, मैं बाइक पे आता हूँ ना जब भी, मतलब कि मैं यहाँ पे आता हूँ जब भी, तकरीबन मुझे मैक्सिमम भी 45 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, 45 मिनट से या ज़्यादा ज़्यादा 50 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आज तक लगे, क्योंकि मैं स्टेट बोर्ड पर बाइक चलाता हूँ, मैं कहीं बाइक रोकता नहीं हूँ। अब मुझे रोकनी पड़ रही है, वो तो इस वजह से रोकनी पड़ रही है, आपके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, लेकिन उम्मीद है कि वॉइस भी ठीक आ रही होगी। अब मैंने वैसे वॉइस चेक कर ली थी कि वॉइस तकरीबन क्लियर ही आ रही, वाइजर बंद करके तो बहुत अच्छी आ रही होगी। तो अब फैजाबाद इंशाल्लाह 15 किलोमीटर है आगे, तो 15 किलोमीटर हमने तकरीबन 10-15 मिनट में कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वी आर एट खाला घर पहुंच चुका हूं मैं, और तो फाइनली गाइस खाला की तरफ आ गया था मैं, तो इन्होंने मेरे लिए बड़ी माशाल्लाह से खिदमत की है, ये मेरे लिए खाना लगाया, ये जी फिश, फ्रेश फिश बनाई इन्होंने, साथ रायता, साथ है जी चिकन कढ़ाई माशाल्लाह से, और इसको खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। फाइनली गाइज बाइक अंदर करने का टाइम आ गया, और यहाँ मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, पीस, यो बॉय, गया, ये पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी।